का सांसद कैसा हो? संजय मेहता जैसा हो। परिवहन का सांसद कैसा हो? संजय मेहता जैसा हो। हजारीबाग का सांसद कैसा हो? संजय मेहता जैसा हो। हजारीबाग का सांसद कैसा हो? संजय मेहता। 16 नंबर पे हाँ जी, एक बार झारखंड की आवाज के साथ दीजिए। जरा मातो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। संजय मेहता हेलमेट साहब पेपर में हाँ विधायक जानो मंत्री रहो सब चुना नोट भी देना गलती हेलमेट छाप पर वोट देना है। 16 नंबर हेलमेट छाप देखे हेलमेट छाप हेलमेट छाप रोक दा संजय दा साथे हो जा और बाद धीरे धीरे काम कर लिया आधा घंटा के बाद संजय दा आ रहे हैं। कंपनी इस बार स्थानीय नीति की झारखंड में बात हो गई। इस बार उद्योग नीति की झारखंड में बात हो गई। इस बार नियोजन नीति की देख रहा है दिन पेपर लिखे जा रहे हैं। हम के विचार करे लागू 5 साल तक विधायक रही तो दुनिया में कई बार 30 साल के लड़का आ गए कहाँ से नौकरी ले जीतो दूसरे को। इस बार झारखंड की बात होगी झारखंड दिल्ली में बात होता है झारखंड के दिल्ली में बात होता है झारखंड के उद्योग नीति के दिल्ली में बात होता है झारखंड के नियोजन नीति के पेपर लीक सब बात है। छोड़ दे जा रहे हो ईटी ये फिक्स मैच है फिक्स मैच से हजारीबाग को बचाना है ठीक है। और बीजेपी को परास्त करना सबसे ज्यादा जरूरी है। इस वक्त अगर ऐसे लोगों को नहीं हराया गया पूरा अडानी देखिए बड़का गांव को बर्बाद किया एनटीपीसी बर्बाद किया और ये लोग सिर्फ कोयला का खदान के लिए बाहर से कंपनी भेज दे रहा है और विस्थापन का कोई नीति नहीं है पुनर्वास का कोई नीति है। दिल्ली में 10 साल में विस्थापन पर एक भी सवाल कोई सवाल ठीक है दुआ आपका भी चाहिए दुआ दीजिए ठीक है। हम लोग झारखंड के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं भाई रिजवान भाई हरजान भाई उन लोग को रात में पुलिस जेल भेज दिया उसकी अम्मी कहते रहे तो मेरा बेटा कोई गलती नहीं किया मत भेजिए। अभी लोग जो सिर्फ चुनाव के समय दल बदल करके आ रहे हैं क्या वो हमारा असली रहनुमा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो आप लोगों को एक निर्णय लेना होगा कि ये जो नौजवान रिजवान फरजान संजय जयराम ये सारे लोग जो झारखंड की सड़कों पर निकल करके 3 साल से और एक बहुत बेहतर टीम बन गई। आप लोगों को निर्णय इस बात का लेना है जो व्यक्ति हमारा रहनुमा बनने आ रहा है नुमाइंदा जो व्यक्ति हमारा नुमाइंदा बनना चाह रहा है वो व्यक्ति क्या असली में हमारा रहनुमा नुमाइंदा हो सकता है? क्योंकि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वर्तमान में वो भाजपा के MLA हैं और भाजपा के MLA के पद से उन्होंने इस्तीफा भी नहीं दिया और सांसद का जब चुनाव समाप्त हो जाएगा अगर वो चुनाव नहीं जीतते हैं तो सदन में जाकर के फिर से वो भाजपा विधायक के तौर पर बैठे। इस बात को आपको समझना होगा कि अवसरवादी लोग जो सिर्फ चुनाव के समय दल बदल करके आ रहे हैं क्या वो हमारा असली रहनुमा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो आप लोगों को एक निर्णय लेना होगा कि ये जो नौजवान रिजवान फरजान संजय जयराम ये सारे लोग जो झारखंड की सड़कों पर निकल करके 3 साल से पुलिस की लाठियां खा रहे हैं इन लोगों को जेल भेजा जा रहा है हम लोगों के साथी को भी जेल भेज दिया गया। एक बार आप लोग दुआ दीजिए कि झारखंड की इस आवाज़ को हम लोग ताकत दें और जो सियासी हकूकों की लड़ाई है इसको हम लोग मुकम्मल करें। नहीं नहीं अगर आप लोग साथ दीजिए कोई नहीं सब मैं पूरे समाज में ये मैसेज लेकर के जाइए हर जगह जगह पर हम लोग के ही हाँ इस बात को आप देखिए उन लोग फिक्स मैच खेल रहे हैं पॉलिटिकल गेम समझना आपको बात वाला गेम यहां मैं आपको बता रहा हूं इंटरनल बात बता रहा हूं मेरे पास ये लोग फिक्स मैच खेल रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में वो सीट बीजेपी के खाते में हाँ ये फिक्स मैच है फिक्स मैच से हजारीबाग को बचाना ठीक है। और बीजेपी को परास्त करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। इस वक्त अगर ऐसे लोगों को नहीं हराया गया पूरा अडानी देखिए बड़का गांव को बर्बाद किया एनटीपीसी बर्बाद किया
और ये लोग सिर्फ कोयला का खदान के लिए बाहर से कंपनी भेज दे रहा है और विस्थापन का कोई नीति नहीं है, पुनर्वास का कोई नीति है। दिल्ली में 10 साल में विस्थापन पर एक भी सवाल कोई सांसद नहीं पूछा, तो सोच लीजिए कि क्या हाल है। ठीक है, दुआ दीजिए आप, ठीक है, ठीक है, दुआ आपका भी चाहिए, दुआ दीजिए। ठीक है, हम लोग झारखंड के लड़ाई लड़ रहे हैं, भाई रिजवान भाई और जान भाई, उन लोग को रात में पुलिस जेल भेज दिया, उसकी अम्मी कहते रहे तो मेरा बेटा कोई गलती नहीं किया, मत भेजिए, कॉलर पकड़ करके चल दिए। इसीलिए एक बार जागा झारखंड के आवाज को पहले काम करा, झारखंड दिल्ली में बात होता है, झारखंड के दिल्ली में बात होता है, झारखंड के उद्योग नीति के दिल्ली में बात होता है, झारखंड के नियोजन नीति के पेपर लीक सब बात होता है। आज लिए रोक रहा और संजय दा साथे हो जा, और बाद धीरे धीरे काम कर लिया, आधा घंटा के बाद संजय दा आ रहे हैं, जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। हेलमेट छाप पर वोट देना है, 16 नंबर हेलमेट छाप, देखे हेलमेट छाप, हेलमेट छाप, हेलमेट खत्म, अगर जरा महतो जिंदाबाद, 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 संजय मेहता जिंदाबाद, 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 हजारीबाग का सांसद कैसा हो, संजय मेहता जैसा हो, हजारीबाग का सांसद कैसा हो, संजय मेहता जैसा हो, अगर जरा महतो जिंदाबाद, 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 आपका बटन कहाँ दबेगा, हेलमेट छाप जहाँ रहेगा, आपका बटन कहाँ दबेगा, हेलमेट छाप जहाँ रहेगा, देश के पार्टी जिंदाबाद, 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 संजय मेहता जिंदाबाद, 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 हजारीबाग का सांसद कैसा हो, संजय मेहता जैसा हो, हजारीबाग का सांसद कैसा हो, संजय मेहता जैसा हो, बाहरी तरफ कैसा तोहर एरिया दबेगा, हेलमेट छाप जहाँ रहेगा, आपका बटन कहाँ दबेगा, हेलमेट छाप जहाँ रहेगा, जयराम महतो जिंदाबाद। मीडिया के माध्यम से टाइगर जयराम महतो पूरा झारखंड के हिलाई के रख दिले है, तो हिलैले है ओकरा हमें के कायम रखना है, ओकरा हाथ के मजबूत करे खाने, इसीलिए ज्यादा जागा एक बार झारखंड आवाज सही लगल हो। 24 साल तो दे दवा की दर उधर भोट, बहुत भोट दवा, बहुत सांसद और विधायक, बहुत मंत्री चुनला हम सब, मगर कौन कहते सुख दुख में साथ रहो, कौन रोजगार के बात कर लो, ये सब जान से जान बुझ के वोट दिया, अभी अभी गड़बड़ाना ना हो, ककरो बहकावे में आना हो, ककरो परेशान में ना आना हो, और अभी संजय दा के चुनना हो, सबके देखलिए बारी बारी, जिंदाबाद, जिंदाबाद, सबके देखलिए बारी बारी, संजय दा के बारी, टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद, 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 टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद, 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 संजय महतो जिंदाबाद, 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 संजय महतो जिंदाबाद, 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 हरिमंदिर का सांसद कैसा हो, संजय महतो जैसा हो, हरिमंदिर का सांसद कैसा हो, संजय महतो जैसा हो, झारखंडी करे पुकार, पकड़ने में
और अगल बगल में भी सबको समझाइए। इस बार स्थानीय नीति की झारखंड में बात हो गई, इस बार उद्योग नीति की झारखंड में बात हो गई, इस बार नियोजन नीति की देख रहा है, लिखे जा रहा है हम इनके चर्चा।